हाँ तो भाइयों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल का मैच नंबर पहला खेले जाने वाला है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है। तो इस मैच के लिए हम लोगों की क्या फैंटेसी टीम रहने वाली है, सभी कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक तरफ देखिए, बात करें अगर इंडिया का, तो इंडिया काफी यहाँ पर वर्ल्ड कप का स्ट्रांग टीम है, सारे मैच को लगातार जीत करके आ रही है। वहीं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड भी इस मैच में अपना पूरा जोर शोर लगाने वाली है मैच को जीतने के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल है, दोनों टीमों का जीतना जरूरी है। जो यहां पर हारेगा, क्वालिफाई नहीं होगा, वो यहां से बाहर चला जाएगा। तो काफी इम्पोर्टेंट मैच होगा और सभी प्लेयर इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस मैच के लिए हम लोगों की क्या फैंटेसी टीम होगी, और इस मैच में अगर हम रिस्की प्लेयर ले जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो कौन सा प्लेयर होगा? इंडिया से देखिये, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को छोड़ के बाकी सारे लोगों का सिलेक्शन हाई है, तो इंडिया से रिस्की प्लेयर यहाँ पर नहीं है ट्रम्प कार्ड प्लेयर। बात करें न्यूजीलैंड से, हमें किस ट्रम्प कार्ड प्लेयर को लेकर चलना चाहिए इस मैच का, यहाँ पर पिच क्या है, वेन्यू क्या है, सारा कुछ बात करते हुए यहाँ पर हम लोग बेस्ट प्रिडिक्शन करके एक ड्रीम इलेवन का टीम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, पूरा देखना, और खुद से प्रिडिक्शन करके इस वीडियो में अगर एक प्लेयर आपको चेंज करना होगा तो करके आप बेस्ट जो है ग्रैंड लीग का टीम बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हेड टू हेड का अगर हम बात करें, तो टोटल मैच देखिए इसमें 9 खेले गए हैं, 9 में से यहाँ पर इंडिया ने 8 मैच को जीत करके रखा है और न्यूजीलैंड ने 6 मैच को जीत रखा है। तो न्यूजीलैंड भी यहाँ पर काफी कमजोर टीम नहीं है कि नीदरलैंड के जैसा, कि इंडिया का जो है 9 प्लेयर ले लिया ड्रीम इलेवन पे जो टीम बनाया है, और नीदरलैंड का 2 प्लेयर लिया है। तो न्यूजीलैंड से वैसे नहीं करना है, न्यूजीलैंड से कितना प्लेयर लेके चलना है, इंडिया से कितना प्लेयर लेके चलना है, सारा कुछ यहाँ पर बात होने वाला है। वेन्यू की अगर हम बात करें, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में यह मैच खेले जाने वाला है, याद रखिएगा। पिच की बात करूं, यहाँ पर देखो दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है, और पेसर्स यहाँ पर काफी अच्छे चलते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर होते हैं, काफी अच्छा चलते हैं स्पिनर के मुकाबले। वेदर की बात करूं, तो वेदर तो क्लियर रहेगा, मैच पूरा होगा और होना भी चाहिए, मैच रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर बात करूं एवरेज रन की, तो 256 का इस ग्राउंड का एवरेज रन है, तो अच्छा खासा दोनों टीमें मजबूत है, तो 300 के आस भी, 350 के आसपास भी रन आपको देखने को मिल सकता है। टोटल विकेट की बात करूं, यहाँ पर 73 लिए गए, जिसमें से 14 स्पिनर ने और यहाँ पर 59 जो है पेसर्स ने निकाले हैं, तो स्पिनर को काफी यहाँ पर थोड़ा कम मदद है, पेसर्स को ज्यादा है। रिसेंट में यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का 5 मैच विन चल रहा है, न्यूजीलैंड की बात करूं 4 मैच लॉस है, मात्र 1 मैच यहाँ पर विन है। तो दोस्तों, इस मैच के लिए यहाँ पर क्या इंडिया के ही सिर्फ बॉलर लेके चले हैं या फिर न्यूजीलैंड के बॉलर लेके चले हैं, सारा कुछ बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो हम अभी टीम बनाने जा रहे हैं, इसमें लाइनअप के बाद कोई भी प्लेयर चेंज होता है या कुछ भी अपडेट आता है, तो इसका फाइनल अपडेट और फाइनल ग्रैंड लीग का टीम आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट बॉक्स में है, आप कहीं से भी जाके ज्वाइन कर लो। लाइनअप के बाद वहां आपको बेस्ट ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम देखने को मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का प्रिडिक्शन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर बात करें विकेट कीपर सेक्शन की, तो लोकेश राहुल है, पिछला मैच में जो है सेंचुरी मार करके आ रहा है, तो लोकेश राहुल काफी अच्छा यहाँ पर फॉर्म में चल रहा है। वही बात करें डेविन कॉनवे की, तो कॉनवे भी दोस्तों यहाँ पर जो है लगातार फॉर्म में चल रहा है 2 मैचों से, और उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर टॉम लथम का, तो टॉम लथम जो है अभी फ्लॉप चल रहा है, पिछला बस 1 मैच यहाँ पर अच्छा खेल करके आ रहा है। तो लोकेश राहुल का सबसे पहले हम अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हर बार ड्रीम टीम में आया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 125, फिर 2 मैच यहाँ पर फ्लॉप रहा था, फिर उसके बाद बांग्लादेश में चला, न्यूजीलैंड में चला, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पर देख सकते हो लोकेश राहुल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रखा है, ड्रीम टीम में आया है। उसके बाद बात करूं तो सारे मैचों में देख सकते हो, नीदरलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मतलब सारे मैच में ड्रीम टीम में आया है। तो लोकेश राहुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और आराम से एकदम टिक टिक के विराट कोहली के जैसा आराम से खेलता है, ठीक है, आया नहीं कि मारा और चला गया आउट होके, वो वाला प्लेयर नहीं है। तो लोकेश राहुल देखिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद डेविन कॉनवे की मैं बात करूं, तो कॉनवे भी 2 मैचों से अच्छा खेल के आ रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, उसके पहले जो 2 खेला है यहाँ पर 3, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ फ्लॉप रहा था डेविन कॉनवे। तो डेविन कॉनवे को हम टीम नंबर पहला जो बनाएंगे इसमें ड्रॉप करके चलेंगे, यहाँ पर हो सकता है बुमराह, सिराज इसका आके आसानी से विकेट निकाल के चले जाए। उसके बाद बात करूं टॉम लथम की, तो यहाँ पर टॉम लथम का अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, तो मात्र 1 मैच यहाँ पर अच्छा खेल के आ रहा है, ठीक है टॉम लथम, उसके बाद सारे मैचों में यहाँ पर फ्लॉप रहा था, एक भी बार ड्रीम टीम में नहीं आया है। तो टॉम लथम देखो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, 5-6 नंबर पे बैटिंग कर लेता है, तो कल के लिए अगर आप रिस्की प्लेयर, गेम चेंजिंग प्लेयर अगर टीम में रखना चाहते हो, तो टॉम लथम कल के लिए
सही रहेगा, आप इसको ग्रैंड लीकर टीम में रख सकते हो, ठीक है, अगर आप ग्रैंड लीकर टीम बना रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम विकेट कीपर सेक्शन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो लोकेश राहुल ही है, और लोकेश राहुल को हम यहाँ पर लेके जाने वाले हैं विकेट कीपर सेक्शन से। और बात करें यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा भी हर बार ड्रीम टीम में आ जाता है, फॉर्म में चल रहा है, हालांकि रोहित शर्मा शतक नहीं बनाता है लेकिन 50 रन 60 रन एवरेज हर मैच में बना देता है। विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली शतक भी बना लेता है, एक मैच रुकता है फिर बना लेता है, फिर रुकता है फिर बना लेता है। तो विराट कोहली रोहित शर्मा तो इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि बड़ा मैच है और बड़ा मैच में ये दोनों जो है अच्छा खेलते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितना भी मैच खेले पीछे में सारा अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो आपको दिखा दे यहाँ पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए, यहाँ पर जो पिछला बार मैच हुआ था 22 अक्टूबर को, उसमें रोहित शर्मा ड्रीम टीम में आया था, 72 पॉइंट दिया था। उसके बाद यहाँ पर सारों मैचों में ड्रीम टीम में आया, ठीक है। इंग्लैंड की बात करूं, बांग्लादेश, या उसके बाद बात करूं यहाँ पर साउथ अफ्रीका या नीदरलैंड, सारे मैच में ड्रीम टीम में है। तो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रहेगा, रोहित शर्मा को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, रख लेना वरना ज्यादा रिस्क हो जाएगा। विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली का अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको परफॉर्मेंस दिखाया तो उस दिन यहाँ पर 100 रन मारा था विराट कोहली, सेंचुरी मारा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, देख सकते हो 131 पॉइंट दिया था, बांग्लादेश में भी सेंचुरी। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करें श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सारे मैचों में ड्रीम टीम में विराट कोहली आया हुआ है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। तो विराट कोहली भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच के लिए। और बात करूं यहाँ पर के विलियम्स की, तो के विलियम्स देखो इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप स्किप मत करना, टीम में जरूर ले लेना क्योंकि जब भी बड़ा मैच होता है के विलियम्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। के विलियम्स का अगर हम आपको दिखाएं तो पाकिस्तान के खिलाफ देख सकते हैं यहाँ पर 129 पॉइंट दे रखा है, उसके बाद श्रीलंका में फ्लॉप है। तो कल के मैच के लिए के विलियम्स इम्पोर्टेंट रहेगा, के विलियम्स को आप टीम में जरूर ले लेना। उसके बाद बात करें यहाँ पर ड्रायल मिचेल की, तो ड्रायल मिचेल भी इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रायल मिचेल भी बड़ा जब मैच होता है जैसे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, काफी अच्छा जो है परफॉर्म करके दिया, हर बार ड्रीम टीम में आया हो। और पहले जब इंडिया खिलाफ हुआ था तो देख सकते हैं 100 कुछ रन का यहाँ पर पारी खेला था, 171 पॉइंट जो है ड्रायल मिचेल दिया था, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है ड्रायल मिचेल, के विलियम्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, तो इन दोनों को भी आप टीम में ले लेना। उसके बाद बात करूं शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल का जो 22 अक्टूबर को मैच हुआ था न्यूजीलैंड में, उसमें यहाँ पर फ्लॉप रहा था जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाए, तो ज्यादा रन नहीं बनाया था, यहाँ पर ड्रीम टीम में आया था 43 पॉइंट दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेला, नीदरलैंड के खिलाफ भी अच्छा खेला। तो इंडिया का यार देखो एक नंबर का, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का बैट्समैन तो इम्पोर्टेंट है मैच के लिए, इसको लेके बिल्कुल हमें जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर खास करके इंडिया बैटिंग यहाँ पर सेकंड करती है तो जरूर लेके टीम में जाना चाहिए। उसके बाद बात करूं श्रेयस अय्यर की, तो देखो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो श्रेयस अय्यर काफी फॉर्म में चल रहा है, पिछला मैच में सेंचुरी लगा करके आ रहा है काफी कम बॉल में। तो श्रेयस अय्यर को अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस पे हम पूरा रिस्क लेके जाएंगे, श्रेयस अय्यर को हम यहाँ पर ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ यहाँ पर सेंचुरी मारा था, क्योंकि न्यूजीलैंड में काफी अच्छे बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल सैंटनर है, ठीक है, बात करूं रांची रविंद्र है, तो शायद ही यहाँ पर श्रेयस अय्यर इस मैच में शतक नहीं बनाएगा। हो सकता है आप ड्रीम टीम के लिए रख सकते हो लेकिन श्रेयस अय्यर को आप भूल से भी कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, ड्रीम टीम में हो सकता है आ जाए आपके जैसे हर बार आया है लेकिन इस मैच में उतना अच्छा परफॉर्म आपको करके नहीं देने वाला है, तो श्रेयस अय्यर को हम यहाँ पर ड्रॉप करके चलेंगे। विल यंग की बात करूं, अगर यह खेलता है इसमें लाइनअप के बाद कुछ भी चेंज या अपडेट आता है टीम में तो कहां मिलेगी टीम, टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रखना। उसके बाद देखो एक ही प्लेयर यहां पर हमारा ट्रम्प कार्ड मिलता है, मात्र सूर्य कुमार यादव इंडिया की तरफ से, बाकी सारे प्लेयर का सिलेक्शन बहुत हाई है। तो सूर्य कुमार यादव को अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो इसको बैटिंग मिलने का ना के बराबर चांस है, ठीक है, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो इसको यहाँ पर जो है बैटिंग मिल सकता है क्योंकि पिछले बार मात्र इसको 2-3 ही बॉल खेलने को मिला था। तो सूर्य कुमार यादव को जल्दी यहाँ पर बैटिंग नहीं मिलता है क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, ठीक है। बाकी हम पांच लाइनअप में अगर आपको बैटिंग ऑर्डर दिखाएं तो यहाँ पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर लाइन से है चारों प्लेयर, सूर्य कुमार यादव यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर पे है, ठीक है। वही मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो डेविड कॉनवे ओपनर है अपने टीम का, रांची रविंद्र सेकंड, के विलियम्स की बात करूं 3 डाउन बैटिंग करता है 3 नंबर पे, तो विलियम्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रायल मिचेल की बात करूं, ड्रायल मिचेल भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच के लिए। उसके बाद चपमन है, तो चपमन एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर चपमन को हम दिखा दे क्योंकि चपमन का 5-6% यहाँ पर 5-6 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर है, मात्र 2-3% सिलेक्शन चल रहा है इसका। तो चपमन इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड अगर आप रखना चाहो तो चपमन और सूर्य कुमार यादव इम्पोर्टेंट हो सकता है, सूर्य कुमार यादव कम हो सकता है लेकिन चपमन यहाँ पर और टॉम लथन विकेट कीपर सेक्शन से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर बात करूं कि हम लेके किसको जा रहे हैं, तो यहाँ पर रोहित शर्मा,
विराट कोहली, के विलियम्स, ब्रायन मिचेल, चार प्लेयर हमने ले लिया। उसके बाद बात करूं शुभमन गिल, पांच प्लेयर हमने लाइन से ले लिए, इनमें से किसी को भी ड्रॉप करना सही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद श्रेयस अय्यर को मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया इस टीम में, ठीक है, ग्रैंड का जो टीम नंबर कॉम्बिनेशन पहला है इसमें ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद बात करूं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो दो ही अच्छे सिलेक्शन है यहाँ पर, रांची रविंद्र है, जडेजा है। उसके बाद मिचेल सैंडलर और ग्लेन फिलिप्स, दोनों का सिलेक्शन काफी यहाँ पर कम चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का बात है कि कैप्टन वाइस कैप्टन हमें किसको लेकर चलना चाहिए, न्यूजीलैंड से ही लेकर चलना चाहिए या फिर इंडिया से लेकर चलना चाहिए, आगे आपको बताते हैं। रांची रविंद्र की बात करूं तो लेफ्ट हैंड स्पिनर है और स्पिनर को हालांकि पिच पे कम सपोर्ट है लेकिन बैटिंग से इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकेंड नंबर पे बैटिंग करता है रांची रविंद्र, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर लगभग सेंचुरी लगा के आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी है। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान सभी के खिलाफ यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, ठीक है, तो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो रांची रविंद्र का काफी अच्छा है, 91 पॉइंट दिया है, ड्रीम टीम में आया हुआ है, तो रांची रविंद्र इम्पोर्टेंट रहेगा। जडेजा की बात करूं तो जडेजा भी देखो इम्पोर्टेंट रहेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछला बार जब मैच हुआ 22 अक्टूबर को उसमें भी ड्रीम टीम में आया है, 48 पॉइंट दिया है, ठीक है। बाकी आप रविंद्र जडेजा को अगर चाहो, इंडिया अगर बैटिंग सेकंड करती है तो आप इसको ड्रॉप करके जा सकते हो क्योंकि रविंद्र जडेजा तक बैटिंग शायद ही पहुंचे, हालांकि बॉलिंग से इम्पोर्टेंट है, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड सारे के खिलाफ ड्रीम टीम में आया हुआ है, लेफ्ट हैंड स्पिनर होने वाला है। उसके बाद मिचेल सैंटनर की बात करूं, बॉलर काफी अच्छा है, इसके तक भी बैटिंग जल्दी नहीं पहुंचता लेकिन बॉलिंग से काफी अच्छा पॉइंट देता है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ 2-3 विकेट हर मैच में निकाल करके आ रहा है। और इंडिया का पिछला परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछला मैच में फ्लॉप रहा था यहाँ पर, इंडिया के खिलाफ 40 पॉइंट दिए थे मिचेल सैंटनर ने। उसके बाद बात करूं यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स है, तो भाई ग्लेन फिलिप्स देखो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अपने टीम से फिनिशर का भी रोल अदा करता है, बॉलिंग भी करा लेता है और बैटिंग भी 4-5 नंबर पे आसानी से कर लेता है, तो अगर मैच फंसता है, कम बॉल में ज्यादा रन चाहिए, तो वैसे में यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स को ही जल्दी भेजा जाता है खेलने के लिए। तो ग्लेन फिलिप्स इम्पोर्टेंट रहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ 59, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खासा पारी खेल के आ रहा है, पिछला बार इंडिया के खिलाफ हालांकि जो है यह भी फ्लॉप रहा था ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, तो ग्लेन फिलिप्स इस मैच के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे ग्लेन फिलिप्स को, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमने टीम में रखा है। उसके बाद जडेजा और रांची रविंद्र है, तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पर अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो आप यहाँ पर जडेजा को ड्रॉप करके जा सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने जडेजा को जो है ड्रॉप कर दिया, अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो मान लीजिए जडेजा को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर रखा है। उसके बाद बात करूं भाई बॉलिंग सेक्शन की, तो मोहम्मद शमी है, हालांकि शमी को पिछला मैच में हमने लिया था टीम में लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, शमी की वजह से टीम बेकार चला गया क्योंकि जब बॉलिंग का बारी आया तो बॉलिंग में यार विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल बॉलिंग करा रहा था, मोहम्मद शमी नहीं कराया, इसको रेस्ट दिया गया है कि जब बड़ा मैच होगा, सेमीफाइनल होगा उसमें परफॉर्म करने के लिए, तो सेम यहाँ पर मोहम्मद शमी इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच के लिए। पिछला बार अगर हम न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस देखे मोहम्मद शमी का, तो 162 पॉइंट दिया है, 4 विकेट निकाले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने, तो शमी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो बुमराह का सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर फ्लॉप रहा था, मात्र 35 पॉइंट दिए थे पिछला बार और बाकी सारे बार यहाँ पर ड्रीम टीम आया है, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ और नीदरलैंड के खिलाफ सारे मैच में ड्रीम टीम में आया है, पेसर्स होने वाला है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया के खिलाफ अगर हम परफॉर्मेंस देखें पिछला बार, तो ट्रेंट बोल्ट फ्लॉप रहा था, किसी का भी विकेट नहीं निकाल पाया था, मात्र 1 विकेट निकाले थे, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद बात करूं नीचे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे मैच में ड्रीम टीम में आया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंट बोल्ट देखो उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ट्रेंट बोल्ट को हम टीम नंबर पहला में ड्रॉप करके चलेंगे, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद बात करूं कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा चला था यहाँ पर, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, 60 पॉइंट दिया था, 2 विकेट निकाले थे जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सारे मैच में ड्रीम टीम आया हुआ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो टीम नंबर दूसरा का जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें हम ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप यादव को लेकर के चलेंगे। उसके बाद बात करूं यहाँ पर लॉकी फर्गुसन है, तो फर्गुसन अभी जो है फॉर्म में चल रहा है, पिछला बार 2 विकेट निकाल के आ रहा है, तो लॉकी फर्गुसन को लेना है कि नहीं लेना है, चलिए आइए देखते हैं। इंडिया के खिलाफ हालांकि 2 विकेट पहले जो खेला था उसमें निकाल करके आया है, ठीक है, लाइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स है। सिराज की बात करूं तो सिराज का सिलेक्शन यहाँ पर कम चल रहा है मोहम्मद शमी और बुमराह के मुकाबले, सिराज यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 1 विकेट निकाला था, बाकी सारे मैचों में ड्रीम टीम में यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं श्रीलंका, उसके बाद साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सारे मैच में ड्रीम टीम में आया है। सिराज भी इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट आर्म मीडियम फास्ट, पेसर्स होने वाला है। टीम सऊदी की बात करूं
तो सऊदी दो मैचों से फ्लॉप चलता आ रहा है, ठीक है। चाहे मैं बात करूं पाकिस्तान की, श्रीलंका की, तो फ्लॉप चलता हुआ आ रहा है, बाकी यहां पर नहीं खेला है। तो टीम सऊदी को हम एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच के लिए रखने वाले हैं, जैसे हमने यहां पर रख लिया है। उसके बाद बात करूं मोहम्मद शमी है, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप यादव और सिराज है। तो बुमराह को इस मैच में हम मौका देंगे, तो बुमराह को हम रख लेंगे। हमारा 6-5 का कॉम्बिनेशन या टीम बन गया है। अगर आप यहाँ पर लॉकी टीम सऊदी को नहीं रखना चाहते हो तो आप ऑलराउंडर सेक्शन से जडेजा को रख सकते हो, अगर आप इसको नहीं रख रहे हो तो हम जडेजा के ऊपर यहाँ पर रिस्क लेके हम यहाँ पर लेंगे टीम सऊदी को एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेने वाले हैं। तो भाइयों यह हमारा फाइनल टीम बन के तैयार है। अब इसमें बात करते हैं कि भाइयों कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो बेशक हम यहाँ पर कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो शुभमन गिल या फिर विराट कोहली के साथ जाएंगे, ठीक है। अदर ऑप्शन में अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो यहाँ पर कल हम कैप्टन जाना चाहेंगे, ड्रायन मिचेल के साथ कैप्टन जाएंगे। और वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो वाइस कैप्टन हम यहाँ पर विराट कोहली के साथ इस मैच में जाने वाले हैं। अदर ऑप्शन में आप चाहो तो लोकेश राहुल के साथ जा सकते हो, या फिर बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो मोहम्मद शमी के साथ भी जा सकते हो। पिछला बार जो है 4 विकेट निकाले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। और उसके बाद ऑलराउंडर में रांची रविंद्र वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है रहने वाला है। अगर सभी का सिलेक्शन की मैं बात करूं तो राहुल का यहाँ पर 2% और 4% चला है। कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट कोहली का 30, उसके बाद रोहित शर्मा का यहाँ पर 14, उसके बाद ड्रायन मिचेल का 4% चला है। तो ड्रायन मिचेल हमारा रिस्की कैप्टन रहने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पर के विलियम्स को भी रिस्क लेके बना सकते हो, के विलियम्स भी कल आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो कैप्टन हमारा ड्रायन मिचेल, वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो विराट कोहली को लेके जाने वाले हैं। तो फाइनल हमारा ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पहला बनके तैयार है। अगर लाइनअप के बाद इसमें कुछ भी चेंज अपडेट नहीं आता है तो आपको टीम इसी से खेल सकते हो, बाकी आएगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रखना। चैनल पे नए हुए तो इसी तरह का प्रेडिक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपना एक प्यारा सा कुछ भी कॉमेंट जरूर कर देना। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर टीम नंबर दूसरा का क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। टीम नंबर दूसरा में हम किस प्लेयर को लेकर चलेंगे, किसको नहीं। और एक बात आपको बता दे कि रविंद्र जडेजा को हमने अभी नहीं लिया। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो वैसे सिचुएशन में हम रविंद्र जडेजा को टीम में ले सकते हैं। अगर टीम में चेंजेस करेंगे तो उसका भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मैं कर दूंगा। तो बात करें टीम नंबर दूसरा में तो हम यहाँ पर लोकेश राहुल को फिर से लेके जाएंगे। उसके बाद बात करूं बैटिंग सेक्शन की तो रोहित शर्मा, विराट कोहली यहाँ पर हम ड्रॉप करके चलेंगे, शुभमन गिल को, उसके बाद के विलियम्स को ले लेंगे, ड्रायन मिचेल को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन की तो जडेजा हो जाएगा, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रांची रविंद्र, तीन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। इसमें हम मिचेल सेंटनर को यहाँ पर ड्रॉप करके चलने वाले हैं, ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पर रख ले रहे हैं। उसके बाद बात करूं बॉलिंग सेक्शन की तो हम यहाँ पर मोहम्मद शमी को रख लेंगे, कुलदीप यादव को रख लेंगे, उसके बाद एक प्लेयर हम यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट। अदर ऑप्शन में आप नहीं रखना चाहते हो तो फिर से आप सिराज को रख सकते हो। अगर इंडिया देखो बैटिंग सेकंड करती है तो आप न्यूजीलैंड का बॉलर नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मिचेल सेंटनर है, हम सेंटनर को ही ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, दो बॉलर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि अच्छा खासा बॉलिंग करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर मिचेल सेंटनर को ही रख लेते हैं, काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है तो कल इम्पोर्टेंट होगा बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। इंडिया से हमारे मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, दो ही बॉलर जो है होने वाला है टीम नंबर दूसरा में। अब इसमें बात करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन होगा, कौन परफेक्ट बैठेगा। तो वाइस कैप्टन हम यहाँ पर जाएंगे, देखो के विलियम्स के साथ इस मैच के लिए वाइस कैप्टन जाना चाहेंगे। और कैप्टन की मैं बात करूं तो कैप्टन हम मोहम्मद शमी के साथ इस मैच में जाने वाले हैं। अदर ऑप्शन में आप चाहो तो विराट कोहली का 30% चल रहा है, विराट कोहली के साथ भी आप जा सकते हो। तो हम यहाँ पर मोहम्मद शमी के साथ कैप्टन और के विलियम्स के साथ जो है वाइस कैप्टन जाने वाले हैं। फाइनल ग्रैंड लीग का हमारा टीम कॉम्बिनेशन बनकर तैयार है। अगर आप चाहो तो रांची रविंद्र के साथ भी जा सकते हो। अगर रांची रविंद्र का टीम मतलब न्यूजीलैंड बैटिंग सेकंड करती है तो रन अच्छा चेस करेगा तो रांची रविंद्र के साथ आप उस सिचुएशन में जो है वाइस कैप्टन जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम के विलियम्स के साथ वाइस कैप्टन और कैप्टन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मोहम्मद शमी के साथ हम चले गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। फाइनल कुछ भी टीम में अपडेट आता है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में।